बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों को यह बड़ा झटका है। आईपीएस अफसरों के लिए खबर अच्छी नहीं है। इंस्पेक्टर पोस्ट करने से पहले डीएम से परमिशन लें, अनुमति लें। थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग को डीएम मंजूरी देंगे। बड़ी खबर, इस बीच उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों को एक बड़ा झटका लगा। इसके पहले भी आईपीएस और आईएएस में विवाद चल रहा था। इंस्पेक्टर पोस्ट करने से पहले डीएम से अनुमति लें बकायदा। थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग को डीएम मंजूरी देंगे। पहले क्राइम मीटिंग डीएम ले रहे थे। यूपी के गृह विभाग ने सभी एसपी को यह पत्र दे दिया है, भेज दिया है। डीजीपी को संबोधित पत्र सभी को भेजा गया है। कोतवाल थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग पर अब डीएम की मंजूरी होगी। एसएसपी अब सीधे थाना अध्यक्ष पोस्ट नहीं कर सकते। बड़ी खबर है ये। आईपीएस अफसरों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। उनके अधिकारों में कटौती हो रही है। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों को यह बड़ा झटका लगा है। इंस्पेक्टर पोस्ट करने से पहले वो डीएम से अनुमति लें, उन्हें पत्र लिखें, पूछें, उसके बाद करें। थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग को अब डीएम मंजूरी देंगे। यूपी के गृह विभाग ने सभी एसपी को पत्र भेज दिया है। डीजीपी को संबोधित करते हुए सभी को यह पत्र भेजा गया है। और पहले यह अधिकार असल में एसएसपी के हाथों में हुआ करता था, लेकिन अब यह अधिकार एसएसपी के हाथों से छिनकर डीएम के पास चला गया है। अब डीएम उन्हें बताएंगे कि इनका ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, इन्हें इस थाने में रखना है नहीं रखना है। अब ये बात जो है वो डीएम तय करेंगे। इसके पहले क्राइम मीटिंग एसएसपी से छीन कर डीएम को दी गई थी, चूंकि डीएम लॉ एंड ऑर्डर के हेड होते हैं। और उसके बाद अब एक खबर की है, तकरीबन 45 दिन तक आईपीएस और आईएएस लॉबी आमने सामने थी। और इसी बीच एक खबर और आ गई है। डीजीपी को संबोधित पत्र सभी को भेजा गया है। अब कोतवाल या इंस्पेक्टर की पोस्टिंग सीधे एसएसपी नहीं कर पाएंगे। एसएसपी या एसपी अब उन्हें पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? जिला अधिकारी से। जिला अधिकारी यानी कि आईएएस अफसर अब उनसे पूछना पड़ेगा सीधे तौर पर कि मुझे इस थाना अध्यक्ष का ट्रांसफर करना है, मैं क्या करूं, इसके खिलाफ यह शिकायत है, इसे यहां पर भेजूंगा। या फिर ये कोतवाल इस थाने में बेहतर काम कर सकता है और विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपका स्वागत विक्रम जी। लेकिन धन्यवाद। ये कैसा आदेश से क्या फर्क पड़ेगा? इससे बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। नंबर एक, आपने पुलिस रेगुलेशन की को बिल्कुल दिया है, उसमें ये कहा कि जिलाधिकारी एसएसपी साहब क्या करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। एसएसपी साहब केवल हिसाब रखेंगे कि किसके पोस्टिंग ऑर्डर हुए और उसको अपने गार्ड फाइल में चस्पा करेंगे। आपने एसएसपी के अधिकार और उसके मनोबल और पुलिस के मनोबल पे एक बहुत बड़ी चोट कर दी है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। जिलाधिकारी अपना काम संभाल ले, क्योंकि ये अपेक्षा करना कि पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षमता के बारे में उनको इनसाइक्लोपीडिक जानकारी है, ये अतिशयोक्त होगी। आज जब अवसर है कि आप वर्दीधारी को जो जितना काम करता है उसके अनुसार उनको अलंकृत करें, आप उनके अधिकारों की कटौती कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर तो छोड़ दीजिए, पुलिस सुधार तो छोड़ दीजिए, पुलिस विकार जो है, ये मैं इसमें पुलिस विकार मानता हूं, पुलिस विकार को आप जो है आप मढ़वा करके टांग रहे हैं। अभी तो आप देखिएगा और दुर्दशा होगी जब थाना अध्यक्ष यही नहीं समझेगा कि डीएम कहां जाए। विक्रम जी, इससे तो ये साफ जो आप बता रहे हैं ये तो पुलिस का मोरल डाउन करने वाली बात हो गई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले भी इस प्रकार की बातें उठती हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि माननीय योगी जी को गुमराह करके, उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठा करके एक लॉबी इस प्रकार के अनर्गल आदेश निकलवा रही है। लगातार विक्रम जी अधिकारों मैं पूछ रहा हूं आपसे, लगातार अधिकारों में कटौती हो रही है, अब कैसे काम चलेगा? मतलब मोरेल भी गिरा दिए आप, काम भी आपको ज्यादा चाहिए।
आप जब एनकाउंटर चाहते हैं, आप जब चाहते हैं कि क्रांतिकारी काम पुलिस करे, तो हाँ। इस प्रकार के अनर्गल आपको आदेश नहीं निकालने चाहिए थे। इससे सीधा प्रभाव मनोबल पे पड़ता है, कार्यक्षमता पे पड़ता है, थाना अध्यक्ष असमंजस की स्थिति में। और जरा ये बिक्रम जी ये बताइए, डीएम को ये अधिकार कैसे आ सकता है? ये तो राइट पुलिस का है ना, सीधे तौर पर पुलिस को पता है कौन कोतवाल बेहतर काम कर रहा है, कौन कोतवाल नहीं काम कर रहा है। ये वही बात है कि आपकी क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं करेगा, ये हाँ। क्रिकेट टीम का मैनेजर पवेलियन से डिसाइड करेगा कि कौन फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा और कौन विकेट कीपिंग करेगा। ये वही बात है कि कैप्टन के सारे अधिकार लेकर के आप मैनेजर को दे दें, एक सिलेक्शन बोर्ड को दे दें आप। तो इसके पीछे क्या वजह होगी विक्रम जी? इसके पीछे केवल एक वजह है अहम की, आईएस एन के इन प्रकार जब अवसर मिलता है पुलिस के ऊपर अपने आप को थोपने का ये कुंसित प्रयास है। ये चलने वाला नहीं है, आप देखेंगे इतनी लचर व्यवस्था हो जाएगी, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाएगी, 6 महीने में इनको वापस लाना पड़ेगा और पुलिस कमिश्नर लाना पड़ेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त विक्रम जी बता रहे हैं। तो विक्रम जी यानी गुमराह किया जा रहा है साहब साहब, आप दो बातें कह रहे थे कि मैं रहा हूं हाँ। योगी जी की शराफत का नाजायज फायदा उठा के आईएएस लॉबी इस प्रकार के अनर्गल, उनको फेल करने की, योगी सरकार को फेल करने की नियत से इस प्रकार के अनर्गल आदेश निकाले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा योगी जी की शराफत का फायदा उठाया जा रहा है।